हेलो गाइस, डुगू के किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हल्दीराम के समोसे। आज हम आपसे एक ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी शेयर करने वाले हैं। अगर आप इस रेसिपी के सारे स्टेप्स ढंग से फॉलो करेंगे तो आप इस समोसे को बनाने में बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। हल्दीराम के समोसे तो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। अगर हम उसे हमारे किचन में बना पाएँ तो वो सोने पे सुहागा है। इसलिए ही हम आज आपके लिए लेकर आए हैं हल्दीराम के समोसे की रेसिपी। इन समोसों को हम सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप मेजरमेंट किसी बोल से ले लें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को आप अपने हाथों के बीच में क्रश करके ऐड करें। यहाँ अजवाइन डालने से वो हमारी हेल्प करेगी समोसे को पचाने में, तो आप इसमें अजवाइन डालना बिल्कुल ना भूलें। अब आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करें और इसमें 1/3 कप घी ऐड करें। हम यहाँ पे खस्ता समोसे बना रहे हैं। अगर आप इसे क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें तेल ऐड करें। आप इसे हाथों में बाइंड करके देखें, अगर ये अच्छे से बाइंड हो रहा है तो इसमें पानी ऐड करना शुरू करें। यहाँ पर आप पानी उतना ही डालें जितने में ये बाइंड हो जाए। हमें यहाँ पे कम से कम पानी डालना है। आप इसे एकदम अच्छे से गूंद लें। 5 मिनट तक गूंदने के बाद आप इसे पोक करके देखें। अगर पोक करने के बाद भी ये अपनी शेप वापस अटेन कर रहा है, मतलब आपने इसे अच्छे से गूंदा है। फिर इसे गीले कपड़े से ढक कर रख दें। मसाला मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करें, 1/2 चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड करें, 2 चम्मच यहाँ पे कुटी हुई सौंफ डालें। इसके बाद आप 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। लास्ट में हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को भी अपने हाथों के बीच में क्रश करके ऐड करें। और हाँ, अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड करना न भूलें। ये है हमारा मसाला मिक्स, जिसे हम अभी आलू का मसाला बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल और उसमें ऐड करेंगे हींग। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ और हम इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ साबुत धनिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस की हुई अदरक और हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो अब हम इन्हें कर लेंगे अच्छे से सॉटे। 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करते वक्त आप इतना ध्यान रखें कि आपको इसे हाथों की मदद से क्रश करना है। और हम इसमें ऐड करेंगे मसाला मिक्स। मसाला मिक्स ऐड करते वक्त ही आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 कटोरी कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। आलू के मसाले को मिक्स करते वक्त इतना ध्यान ज़रूर रखें कि आप आलू को ज़्यादा मैश ना कर दें। लास्ट में आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ज़रूर डालें। मैं यहाँ पे काजू और किशमिश ऐड कर रही हूँ। हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। अगर आप ये मसाला किसी और तरह के समोसे की स्टफिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला तो हमारा तैयार हो गया है। जब ये थोड़ा ठंडा होने लगे तो हम इसमें अनारदाना ऐड करेंगे। मसाला बनाते बनाते हमारे आटे का भी रेस्टिंग टाइम पूरा हो गया है, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं हमारे समोसे। क्योंकि हमने इसे गीले कपड़े से ढका था तो गीले कपड़े का मॉइस्चर भी इस आटे ने लिया है। तो इसे अच्छे से गूंथने के बाद हम इसके छोटे छोटे लोइए बना लेंगे। अभी जो हमने मेजरमेंट्स लिए हैं उससे हम 5 समोसे बना पाएंगे। समोसे बनाने के लिए यहाँ पर आप छोटे छोटे पेड़े बना लें और उसे रोलिंग पिन की सहायता से गोल आकार दें। आप चाहें तो इसे अंडाकार भी दे सकते हैं, उससे भी समोसे अच्छी शेप ले लेंगे। अब आप इसे बीच में से काट दें। काटने के बाद हम एक साइड को एकदम प्लेन रहने देंगे और दूसरी साइड को ऐसी धारियां काटेंगे, जैसे कि मैं काट रही हूँ। अब हमें ब्रश की सहायता से इसके ऊपर पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद दूसरी साइड को भी इसके ऊपर चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हम इसको कोनिकल शेप देंगे और कोनिकल शेप देने के बाद हम इसमें मसाला भरेंगे। आप देख सकते हैं इस पे कैसे 2 लेयर्स बन रही है और बाहर वाली साइड कैसी डिज़ाइन आ रही है।
जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत सुंदर निखर के आएगी। अब हम इसमें मसाला भरेंगे और मसाला भरने के बाद इसे अच्छे से सील कर देंगे। सील करने के लिए आप इस पे पानी लगाना ना भूलें। अब समय है इसे डीप फ्राई करने का। कढ़ाई में तेल जब आपको लगे कि एकदम अच्छे से गर्म हो गया है, आप सारे समोसों को एक साथ ही ऐड कर दें कढ़ाई में। जितने समोसे आप एक बार में डाल सकते हैं डाल दें। उससे होगा क्या कि हीट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगी और वो धीमी आंच पर आराम से पक जाएंगे और ये कच्चे भी नहीं रहेंगे। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई अवेलेबल हो तो आप उसी का ही इस्तेमाल करें। 10 से 15 मिनट बाद ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और फ्राई होने के बाद आप इनको निकाल लें टिश्यू पेपर पे ताकि एक्सेस ऑयल को हटाया जा सके। तो लीजिए, अपने तो हल्दीराम के समोसे बनके तैयार हो गए हैं। तो मेरा तो काम हो गया है यहाँ पे ख़त्म, अब काम शुरू होता है आपका। जल्दी से जाइए इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और तारीफें बटोर लीजिए। आई बेट अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो कोई भी आपकी वाहवाही करते थकेगा नहीं। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल पे क्रिएट की हुई सारी प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।